लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कल ही हम लोगों ने 44वां स्थापना दिवस मनाया और हम लोग याद कर रहे थे कि कहां हम दो सदस्य के तौर पर 80 के बाद उभरे और आज 303 से अधिक सीटों पर लोकसभा में जीत कर गए और आगे के दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी है टकबर। आज बड़े ही गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मैं इसके लिए जनता मतदाताओं को और दोनों निर्वाचित हमारे जो माननीय सदस्य आए हैं इनको मैं विशेष तौर पर और गया के मगध के शाहबाद के इलाके के तमाम शिक्षकगण तमाम ग्रेजुएट साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके मत के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतिहास से अधिक को दोहराने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। ये पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का नेतृत्व है, जो पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कल ही हम लोगों ने 44वां स्थापना दिवस मनाया और हम लोग याद कर रहे थे कि कहां हम दो सदस्य के तौर पर 80 के बाद उभरे और आज 303 से अधिक सीटों पर लोकसभा में जीत कर गए और आगे के दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी है तकबंधन के लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं और आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं, बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है, ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन तमाम जो हमारे नेता हैं सभी लोग मिलकर जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, आगे के दिनों में पूरी तरह संगठन को और मजबूत करते हुए पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बिहार की जनता पूरी तरह यह समझती है कि कितने प्रधानमंत्री को देखना है। बगल में ममता दीदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार है, दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी उम्मीदवार हैं, स्टालिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो कितने प्रधानमंत्री को देखना है? क्या खिचड़ी की सरकार बनाकर देश में घोटाला की सरकार बनाना, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना? 2004 से लेकर 14 तक देश के लोगों ने देखा, कोयला हो, 2G हो, जीजाजी हो, सबको देखा। और उसके पहले 1996 की भी स्थिति को आपने देखा, कभी ये सरकार गिरा देते थे, कभी वो सरकार गिरा देते थे, कभी ममता दीदी नाराज तो कभी जयललिता जी नाराज। तो अब देश में मजबूत सरकार की कल्पना जनता ने समझ लिया है, इसलिए आपने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम विकास कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं और देश आगे बढ़े इसकी चिंता पूरे भारतवर्ष के लोगों को है। इसलिए ये जो गठबंधन के लोग हैं ये कहीं दिखने वाले नहीं है।
मुख्यमंत्री आवास में स्टार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या आप लोग जाएंगे? चूंकि आप लोगों को उसमें न्योता दिया गया है जाने के लिए। देखिए, इफ्तार पार्टी जिन लोगों को उन्होंने न्योता दिया है वो जाए, इसमें कहीं इशू नहीं है। आपको न्योता मिला? न्योता जिनको मिला है वो जाएंगे। राजद ने दावा किया है कि अगर विपक्षी खेमा झूठ हो जाती है तो भाजपा की हैसियत 2024 में ही पता चल जाएगी। नहीं, ये कब? वो तो रोज मिलके ही लड़ते हैं। पहले 6 पार्टी मिलके लड़े थे, अब 7वां पार्टी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी हराए थे और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 पार्टी नहीं 20 पार्टी मिल जाओ तब भी बिहार में महागठबंधन को भाजपा हराने का काम करेगी। नहीं, व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई है, उसमें हम लोग का नहीं। अरे एकदम स्वागत है, कंप्लेंट करना ही चाहिए। सत्ताधारी का काम क्या है? विरोधी को तंग करना, तो करिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं नगर विकास मंत्री रहा हूं, सारे कानून मैं जानता हूं, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रवक्ता और हमारे जिला अध्यक्ष इसका जवाब देंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, लोकतंत्र में आप हमको झंडा बैनर और लेखनी से भी रोकोगे क्या? यही अब नीतीश कुमार जी का राज